वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, वैसे तो धनतेरस के त्योहार पर हम सभी लोग कुछ ना कुछ नई चीज खरीद कर अपने घर पर लाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ नया जरूर खरीदना चाहिए और इसीलिए लोग बड़े शौक से गाड़ी, वाहन, व्हीकल या कपड़े, बर्तन वगैरह काफी चीजें खरीदते हैं। लेकिन इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के बीच एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी घर पर नहीं लानी चाहिए। वरना दोस्तों, वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग घर पर इन चीजों को धनतेरस पर लाते हैं वो कंगाल हो सकते हैं, गरीबी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि धन के देवता कुबेर आपसे नाराज हो जाएंगे। तो आइए फटाफट से जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर धनतेरस पर आपको क्या चीजें नहीं खरीदनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी की कृपा आप पर बरसे। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि इस साल 2022 में धनतेरस 23 अक्टूबर को पड़ रही है, तो 23 अक्टूबर के दिन बड़े धूमधाम से धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और दिन रविवार है। सबसे पहले तो ये बात जान ले दोस्तों कि लोग धनतेरस पर बर्तन खरीदते हैं, लेकिन आपको धनतेरस पर लोहा बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहा और लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। हालांकि कई लोग स्टील के बर्तन लाते हैं अपनी रसोई में, खास करके धनतेरस के दिन, लेकिन आपको बता दें कि इस दिन आपको स्टील के बर्तन खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि स्टील भी आधा लोहा ही मानी जाती है। इसीलिए आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं के बर्तन ही खरीदने चाहिए, जैसे कि पीतल, तांबा, ये बर्तन आप खरीद सकते हैं, ये खरीदना शुभ रहेगा। लेकिन आप स्टील के बर्तन अगर फिर भी लाना ही चाहते हैं इस दिन, तो उन बर्तनों को खाली घर में ना लाएं, उन बर्तनों में चावल या पानी भर के ही आप उन्हें घर में लेकर आएं। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसीलिए लोहे से बनी चीज तो भूल कर भी आप धनतेरस के दिन ना खरीदें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर देवता की कृपा आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात ध्यान रखें, धनतेरस के दिन आपको धारदार वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चाकू, कैंची या कोई भी इस तरह के धारदार हथियार खरीदने से आपको परहेज करना चाहिए, यानी कि ये चीजें ना खरीदें। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। तीसरा आइटम है दोस्तों, प्लास्टिक की चीजें। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक को भी घर लेकर आते हैं। आपको बता दें, प्लास्टिक दोस्तों बरकत नहीं देता, इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर पर लेकर ना आए, जैसे कि प्लास्टिक के खिलौने या प्लास्टिक के जो कप प्लेट आते हैं, बहुत तरह के शोपीस आते हैं, आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। अगला आइटम दोस्तों, चीनी मिट्टी से बने बर्तन। धनतेरस पर आपको चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता नहीं खरीदने चाहिए, जैसा कि चीनी मिट्टी के कप प्लेट आते हैं, तो ये भी आपको नहीं खरीदने हैं इस दिन, क्योंकि इन चीजों में स्थायित्व नहीं होता। ये चीजें जब गिरती है तो टूट जाती है, इसीलिए इन चीजों को भी धनतेरस पर खरीदने से घर में बरकत की कमी रहती है। इसीलिए ऐसा सामान ना खरीदें जो नीचे गिरने के बाद टूट जाता है। अब इनमें एक सामान ये भी आ गया दोस्तों कि कांच के बर्तन या कांच से बनी आप कोई भी चीज, कांच के गिलास, कांच के कप प्लेट, ये सब बिल्कुल भी क्रॉकरी इस दिन नहीं खरीदनी है, क्योंकि कांच भी नीचे गिरते ही बिखर जाता है, टूट जाता है, और इसीलिए ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों, धनतेरस पर आपको काले रंग की चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग के कपड़े, काले रंग का कोई भी आइटम अगर आप खरीद रहे हैं, तो धनतेरस पर आपको काले रंग की चीजें नहीं खरीदनी है। आप आगे या पीछे कभी भी खरीद लें, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों, आपको धनतेरस पर तेल या घी जैसी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए, तो इसलिए इस बात का भी आप ख्याल रखें। घर में, रसोई में अगर तेल आपका खत्म होने वाला है, दिवाली पूजा के लिए अगर आपको तेल चाहिए, तो आप पहले ही ला करके रखें, धनतेरस के दिन खरीदने की गलती ना करें। इसके अलावा एल्यूमिनियम के बर्तन भी आपको धनतेरस पर नहीं खरीदने चाहिए। वहीं अगर आप किसी को उपहार यानी कोई गिफ्ट देना चाहते हैं दिवाली पर या धनतेरस पर, तो वो आप एक दिन पहले खरीद कर दें या बाद में गिफ्ट करें। इसका कारण ये है कि धनतेरस पर गिफ्ट देना भी अशुभ माना जाता है। आप एक दिन पहले ही दे दें या बाद में दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धनतेरस के ही दिन आपको किसी को गिफ्ट नहीं देना है।
इसके पीछे वजह बताई जाती है दोस्तों कि किसी को तोहफा देने के लिए पैसे खर्च करने से धनतेरस पर आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। यानी कि धनतेरस पर अगर आप पैसा खर्च करके किसी दूसरे के लिए गिफ्ट में कोई भी चीज देते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक आप ऐसे में अपने घर की लक्ष्मी अपने हाथों से किसी दूसरे को सौंप रहे हैं। तो ये गलती तो बिल्कुल भी ना करें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन पहले गिफ्ट दे दें, एक दिन बाद गिफ्ट दे दें। वहीं अगर आप गाड़ी वाहन व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये एकदम परफेक्ट दिन है, लेकिन आपको इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। अक्सर लोग धनतेरस पर नया वाहन खरीदते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शुभ दिन होता है। धनतेरस के दिन व्हीकल खरीदना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप भी इस धनतेरस पर गाड़ी वाहन व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसका पेमेंट यानी कि उसके जो रुपए भुगतान है वो आपको एक दिन पहले कर देना चाहिए। सेम डे यानी धनतेरस के दिन पैसा देकर आप गाड़ी वाहन व्हीकल मोटरसाइकिल कार बाइक स्कूटी जो भी आप लेना चाहते हैं वो ना खरीदें। मतलब कि धनतेरस के ही दिन आप गाड़ी वाले को शोरूम वाले को पैसे ना दें, लेकिन आपको जो भी पैसा देना है डाउन पेमेंट लोन ईएमआई जो भी कुछ फॉर्मेलिटी है आप धनतेरस से एक दो दिन पहले ही कर लें। और धनतेरस के दिन आप गाड़ी को घर ले आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा दोस्तों। तो धनतेरस के ही दिन पैसे देकर गाड़ी ना लाएं, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि धनतेरस पर जितना कम रुपया आप खर्च करते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए या क्या आप खरीद सकते हैं, तो इस पर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं। धनतेरस पर आपको पीतल जरूर खरीदना चाहिए, पीतल के जो सामान या पीतल की कोई भी चीज़ है वो ज़रूर खरीदें। कई लोग सोने चांदी के आभूषण भी खरीदते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोने की अंगूठी या सोने की चैन अगर आप इस दिन खरीदते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। कपड़े यानी ड्रेस आप खरीद सकते हैं, लेकिन काले रंग के ड्रेस आप ना खरीदें दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आपको दिवाली के 5 दिनों के इन पर्व में यानी धनतेरस से लेकर भाई दूज इन 5 दिनों तक में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। खासकर धनतेरस और दीपावली के दिन तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। दोस्तों आप धनतेरस के दिन कुछ मीठी चीज़ों का दान करें, पुण्य फल मिलता है, जैसे कि बताशा खीर चावल सफ़ेद कपड़ा आदि चीज़ों का आप दान करें, धनतेरस पर उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इन वस्तुओं का दान करने से धन की कमी नहीं होती, जमा पूंजी बढ़ती है और आपके घर में चल रही बाधाएं दूर होती है, धन के कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद है धनतेरस को लेकर के ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने को मिली होगी। वैसे दोस्तों इस बार आप धनतेरस पे क्या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप धनतेरस के दिन लोगों के बीच में दान दक्षिणा करें, गरीबों को दान दें, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, चाहे तो कुबेर देव की भी मूर्ति लेकर आएं, भगवान धन्वंतरी भगवान कुबेर की एक मूर्ति या फोटो लेकर आएं। धनतेरस के दिन आप लेकर आएंगे तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। बस ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, इनमें से कोई भी एक चीज भी अगर आप धनतेरस पर ले आते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की कृपा जरूर मिलेगी दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी दिवाली, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।